नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरे साथ अध्यापक अभय दुबे जी हैं। अभय दुबे जी को आप सब लोग पहचानते हैं, एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है और एक अध्यापक भी है CSDS, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में। अभय जी धन्यवाद, आपने न्यूज़क्लिक का दर्शक को आपका समय दिया। आज हमारा चर्चा का विषय है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज कांग्रेस पार्टी का ये हालत क्यों है आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। हमारे स्वाधीनता आंदोलन से शुरू करके बहुत ही पुराने पार्टी है। मैं समझता हूँ 2019 के बाद इतने कमजोर कभी नहीं थे कांग्रेस इनके इतिहास। कुछ दिन पहले हमने देखा कि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक मीटिंग हुई थी और बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल गांधी अपने इस्तीफा दे दिया और सोनिया गांधी ने कहा हम कुछ अंतरिम समय के लिए हम अध्यक्ष रहेंगे, मगर परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस का टिप्पणी कर रहे, आलोचना कर रहे, तो राहुल गांधी भी कहा, सोनिया जी ने भी कहा कि हम कोई परिवार का व्यक्ति नहीं चाहते जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, मगर कौन बनेगा अध्यक्ष यही तो बार बार सवाल हो रहे। और बीच में एक चिट्ठी आया, 32 वरिष्ठ कांग्रेस के नेता उन्होंने लिखा, उन्होंने एक स्थायी ऐसा एक नेता चाह रहे जो रहेगी उनके साथ, जो एक नेतृत्व देंगे पार्टी को आगे बढ़ाने का, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी राजनीतिक आंदोलन है वो आगे रखे। तो ये स्थिति क्यों हुआ आज कांग्रेस का, ये बुरा हालत क्यों? पहली नजर में देखने पर जिस तरह आपको ताज्जुब हो रहा है और आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य। 2014 में जब कांग्रेस चुनाव हारी और उसकी 45-46 सीटें रह गई, उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त निराशा फैल गई। स्थिति ये थी कि सोनिया गांधी से निजी तौर पर जो लोग मिलते थे और उनसे कहते थे कि भाई आप नरेंद्र मोदी से हमें मुक्ति कब दिलाएंगे, तो सोनिया गांधी कहती थी कि हम लोग इतने कमजोर हैं कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते। इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस में, कांग्रेस का जो आला कमान है जिसको आप व्यवहारिक रूप से कह सकते हैं कि वो गांधी परिवार है, वो तीन लोगों का आला कमान, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आला कमान है। इस आला कमान के बीच में भी धीरे धीरे करके मतभेद पैदा होने लगे। जब राहुल गांधी ने 2019 की पराजय के बाद में जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो आपको ध्यान होगा राहुल गांधी ने उस वक्त ये कहा था कि मुझे अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है। सवाल ये है कि वो कौन सी ताकतें कांग्रेस में थी जो राहुल गांधी को अपना काम नहीं करने दे रही थी? तो राहुल गांधी से भी शक्तिशाली कोई ताकतें कांग्रेस में थी क्या जो उन्हें अपना काम नहीं करने दिया? लोगों ने अंदाजा लगाया कि कांग्रेस का जो ओल्ड गार्ड है वो उन्हें अपना काम नहीं करने दे रहा है, लेकिन ये बात ओल्ड गार्ड की ये हैसियत कभी भी नहीं रही कि वो गांधी परिवार को चुनौती दे सके। सारा का सारा ओल्ड गार्ड तो सोनिया गांधी का वफादार था। इसका सीधा मतलब है कि गांधी परिवार के अंदर ही कोई एक दरार थी, और उस दरार को मैं बार बार इस बात को अपने लेखन में भी कहता रहा हूं और टीवी पर भी लगातार कहता रहा हूं कि उस दरार को समझना जरूरी है। 2019 के चुनाव से पहले जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते, इससे लगा कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। उस समय वहां पर मुख्यमंत्री चुनने के लिए बहस हुई कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे कि वो लोग मुख्यमंत्री नहीं बने। आपके कहना है कि राहुल गांधी नहीं चाह रहे थे कि भूपेश बघेल मंत्री बने, आप कह रहे कि राहुल गांधी नहीं चाह रहे थे कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने या उसकी जगह में ज्योतिरादित्य सिंधिया बने, या राजस्थान में अशोक गहलोत नहीं बने या उसकी जगह सचिन पायलट। राहुल गांधी की राय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में मध्य प्रदेश के संदर्भ में, सचिन पायलट के संदर्भ में राजस्थान के संदर्भ में, और छत्तीसगढ़ में जूदेव की तरफ झुकी हुई थी राहुल गांधी की राय। लेकिन उनकी मां ने और उनकी बहन ने उनके ऊपर दबाव डाला और उन्हें समझाया कि वो भूपेश बघेल और अशोक गहलोत और कमलनाथ के पक्ष में झुक जाए, क्योंकि अभी हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है और हमें बहुत सारी फंडिंग की भी जरूरत है और बहुत से व्यवहारिक कारण हैं। ये लोग ज्यादा अनुभवी हैं और ये लोग ज्यादा कर सकते हैं, ये लोग मतलब तरह तरह से उनको समझाया गया। राहुल गांधी ने ये बात मानी, लेकिन 2019 में इसमें किसी भी नेता ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, सबकी बहुत बुरी तरह हार हुई।
इनके बेटों की हार हो गई, ये सब लोग बुरी तरीके से चुनाव हार गए। जब राहुल गांधी ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, इन लोगों ने उनके साथ जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। फिर राहुल गांधी ने दबाव डाला कि भाई ये लोग जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग अपने प्रदेशों में चुनाव जीत गए हो। लेकिन उसके बाद जो गांधी परिवार में इस प्रश्न के ऊपर बहस चली, उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन्हें हम सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते, केवल व्यक्तिगत रूप से प्रश्नों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो दरअसल फंडिंग वगैरह के बारे में, राजनीति की फंडिंग कैसे हो, इससे जुड़े हुए व्यापक और बेहतर मुद्दे हैं, उन पर बहस होनी चाहिए, लोकतंत्र को स्पष्ट बनाने के लिए इन पर बहस होनी चाहिए। लेकिन हम आज उन बातों को नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण नहीं होते इन बातों के, केवल हमारे पास परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं और विश्लेषणात्मक बिंदु हैं जिनके जरिए हम इन बातों को कह सकते हैं। बहरहाल ये तीनों मुख्यमंत्री बने रहे और राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उसके बाद से हो ये रहा है कि सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो बीमार हैं, वो संगठन का काम पूरी तरीके से देख नहीं पा रही हैं, और राहुल गांधी इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं, वो कांग्रेस की डिफेक्टो अध्यक्ष हैं। मेरी मांग ये है कि मुझे कांग्रेस का आला कमान बताए कि राहुल गांधी डिजूरी प्रेसिडेंट क्यों नहीं। जब बैक सीट ड्राइविंग होती है तो कार का एक्सीडेंट होना तय है, कितने दिनों तक एक बैक सीट ड्राइविंग करके एक कार को सुरक्षित पूर्वक चलाया जा सकता है। तो ये जो 23 नेता हैं, इनको 23 मत मानिए, ये तो 23 की एक संख्या है। मेरी जानकारी है और मुझे यकीन है कि आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि करीब 250 से ज्यादा लोगों से संपर्क किया गया, सब लोग दस्तखत करने के लिए तैयार थे, लेकिन पाया ये गया कि केवल एक कोहेसिव ग्रुप होगा वो दस्तखत करेगा। तो 23 लोगों ने दस्तखत किए। तो कांग्रेस के अंदर ये जो मामला उठा है, ये वर्किंग कमेटी की जो 7 घंटे की बैठक हुई है, इससे दबने वाला नहीं है, ये मामला फिर से उठेगा। अब देखिए राहुल गांधी ने जब अध्यक्ष पद छोड़ा था तो उन्होंने जो पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने लिखा था राहुल गांधी ने कि कोई गैर गांधी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उसके बाद प्रियंका गांधी भी कह चुकी है कि कोई गैर गांधी जो है वो अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन पूरी डिजाइन ये है जब 6 महीने बाद चुनाव होंगे तो फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। एक मिनट, मैं दो सवाल आपसे उठाना चाहता हूँ। ये परिवार के बाद आप परिवारवाद के बाद आपने किया, देखिए ये जब झगड़ा हुई थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, फिर बाद में कौन आया बीच में, कौन सचिन पायलट को मिला? प्रियंका गांधी। उसको बोला तुम इतना जल्दीबाजी में कुछ मत करो, दिमाग थोड़ा ठंडा करो, और इसमें कोई ईगो का बात नहीं है, कुछ दिन तुम इंतजार करो। हमें तो लगा ऐसे समझाए। फिर आप कह रहे कि हर राजनीतिक दल में अंदरूनी जो लोकतंत्र होता है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, और कांग्रेस कह रहे हैं हाँ ठीक है हमारे कांग्रेस के अंदर कुछ विवाद है, एक एक व्यक्ति का एक राय है, दूसरे व्यक्ति का कोई राय है, ये मतलब बहुत साल से, बहुत दशक से कांग्रेस पार्टी में 100 साल में एक अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, वो कहते कि हम बीजेपी की तरह नहीं है, कि एक व्यक्ति कहेंगे क्या क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर भी हम नहीं देख रहे कि अंदर कोई चुनाव हो रहे। आप एक पूरा जो सबसे बड़ा जो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग करिए, जैसे पहला बार नहीं पहले भी ऐसे इलेक्शन कीजिए ना, इसमें क्या है? आप उम्मीदवार खड़ा कीजिए, उसको सचिन पायलट डालिए, कोई भी आ सकते, ये क्यों नहीं? किसी पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र नहीं होता है, भारतीय संदर्भों में तो निश्चित रूप से नहीं होता है, दुनिया में क्या होता है इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। हर पार्टी में एक नेतृत्वकारी छोटा सा गुट होता है, उसकी हेजेमनी होती है, उसका वर्चस्व होता है, जब तक उसे कामयाबी मिलती रहती है अंदरूनी लोकतंत्र का सवाल नहीं उठता। अंदरूनी लोकतंत्र का सवाल तब उठता है जब उस ग्रुप को कामयाबी मिलना बंद हो जाती है, जब वो बार बार चुनाव हारने लगता है। उसकी आप देखिए 2014 के बाद में गांधी परिवार ने कांग्रेस का नेतृत्व करने की काबिलियत नहीं दिखाई है, उसके नेतृत्व की क्वालिटी में लगातार गिरावट है, उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, वो सड़क पर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अब राहुल गांधी केवल ट्वीट कर देते हैं या कोई बयान दे देते हैं या किसी बड़े विद्वान से या किसी नोबेल प्राइज विनर से इंटरव्यू ले लेते हैं, इन चीजों से राजनीति नहीं होती। पॉलिटिक्स का नाम है एक्शन। जो लोग पॉलिटिक्स केवल ये फेसबुक पर पोस्ट कर देने से तो नहीं होती है, इन चीजों का लाभ होता है, बशर्ते जमीन पर आपका काम हो तब इन चीजों का फायदा है। अच्छा, अब ये जो 23 लोग हैं ये विद्रोह नहीं कर सकते, मैं इसको विद्रोह नहीं मानता हूं, ये निवेदन है।
ये पत्र जो है ये बगावत नहीं है, ये पत्र निवेदन है। अगर ये लोग बगावत करने लायक होते तो ये ममता बनर्जी की तरह पार्टी तोड़ देते, ये भूपनार की तरह पार्टी तोड़ देते, शरद पवार की तरह पार्टी तोड़ देते। इनमें से किसी के पास जनाधार नहीं है। ये लोग गांधी परिवार की चिरौड़ी कर रहे हैं कि भाई आप किसी तरीके से संगठन को ठीक से चलाइए, राहुल गांधी वैक्सीन ड्राइविंग ना करें, अगर उन्हें अध्यक्ष बनना है तो वो खुल के अध्यक्ष बन जाए। और वो विदेश नीति की राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं तो कांग्रेस की विदेश नीति आधिकारिक रूप से उनका ट्वीट बन जाती है और उसकी पर कभी कोई कांग्रेस के अंदर चर्चा नहीं होती। तो इन तमाम कामों से अब राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है लेकिन उनके बताए हुए व्यक्ति को ही प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अमरिंदर सिंह चाहते थे कि मनीष तिवारी को पंजाब का अध्यक्ष बनाया जाए, प्रदेश का अध्यक्ष, लेकिन राहुल गांधी ने मनीष तिवारी को प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनने दिया। जहां जहां राज्यसभा जिन लोगों को मिलनी है, हैं, वहां पर राहुल गांधी ने उन लोगों को राज्यसभा नहीं मिलने दी जो दूसरे लोग चाहते थे, जिनको वो चाहते थे उनको राज्यसभा मिली। अब गुलाम नबी आजाद की इस वक्त हालत क्या है कांग्रेस के अंदर आप देखिए, आप आनंद शर्मा की स्थिति क्या है, ये दोनों राज्यसभा के उस्ताद हैं दोनों। अब इन दोनों की राज्यसभा सदस्यता कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी, उसके बाद में इन दोनों को साफ लग रहा है कि राज्यसभा में दोबारा चुन के आने का इनके पास कोई जरिया नहीं है। अच्छा, और जरिया होगा भी तो राहुल गांधी उस जरिए को मिलने नहीं देंगे इन्हें। थोड़ा दो कदम पीछे हट के हम देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सफल हुई है कि भारतवर्ष का जो राजनीति है इसको एक तरह से व्यक्तिगत व्यक्ति केंद्रित कर दिया, पर्सनलाइज्ड कर दिया, और उनके लिए फायदा हो रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बने, मैं बनाम राहुल गांधी। अच्छा, अमेरिका का एक तरह से राष्ट्रपति चुनाव की तरह भारतवर्ष बन गए। लोग ये नहीं सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 31% वोट मिला और आप फिर अभी 37 हो गया 2019 में, या एनडीए को 37% वोट मिला आपका 2014 में, आप हो गया 45%, आप बाकी जितने विरोधी दल है उनके वोट हार हो गए, फ्रेगमेंटेशन डिविजन। सिर्फ एक राज्य में महाराष्ट्र जैसे राज्य में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने सारे राजनीतिक दल इकट्ठा हो पाया, बाकी राज्य में हम नहीं देख पा रहे। तो मेरा कहना है कि अगर सचमुच नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो एक विरोधी दल जो है उसमें इतना कमजोर होना लोकतंत्र के लिए खराब है, देश के हित में नहीं है। अगर कोई भी आप विरोधी दल देखिए, आप कांग्रेस का बिना कोई आपका तो गठबंधन नहीं बन सकता है। तो ये स्थिति तो नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा फायदा होता है, और शायद राहुल गांधी ये भी समझते हैं कि मैं जितने दिन अध्यक्ष रहूंगा, ये डिफैक्टो कहिए, बैकसीट ड्राइवर कहिए, कुछ भी आप कहिए, तो इसका फायदा नरेंद्र मोदी उठा रहे क्योंकि बार बार वो कह रहे मैं बनाम राहुल, और ये मोदी जी को फायदा मिल रहा है, कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, मैं थोड़ा एक इसमें थोड़ा एनालिसिस करना चाहूंगा। देखने की बात यह है कि अगर विपक्ष को गैर भाजपा वाद चलाना है, जैसे किसी जमाने में गैर कांग्रेस वाद चला, तो उसे एक नए राम मनोहर लोहिया की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया ने सीपीआई और जनसंघ को और समाजवादियों को एक मंच पर खड़ा कर दिया था। जयप्रकाश नारायण भी किया, वो आपातकालीन नारायण ने वही काम किया। तो राम मनोहर लोहिया और जेपी जैसे व्यक्ति की इन लोगों को जरूरत है जो विपक्ष के पास है नहीं, ऐसी हस्ती है नहीं। राहुल गांधी से उम्मीद की जाती थी कि वे अध्यक्ष बने थे तो वे ऐसा करेंगे, लेकिन कांग्रेस अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश कर पाने में नाकाम रही जहां पर उसके मुकाबले छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियां सब एक साथ आ जाएं और उन्हें ये खतरा ना हो कि कांग्रेस उनके पैर पर पैर रखते। तो इसमें इस प्रक्रिया में क्या होगा कि विपक्ष चुनाव से पहले विपक्षी एकता की बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन भाजपा विरोधी जो एकता का इंडेक्स होना चाहिए वो इंडेक्स 0 रहता है। 2014 में विपक्षी एकता का इंडेक्स 0 था, 2019 में हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी लेकिन विपक्षी एकता का इंडेक्स उस पर 0 था। इसलिए इन लोगों की बहुत बुरी तरीके से पराजय होती है। जहां तक एक व्यक्ति पर आधारित राजनीति का सवाल है, ये भारतीय राजनीति की पुरानी समस्या है, इसका ठीका केवल नरेंद्र मोदी के दरवाजे को नहीं फोड़ा जा सकता। इंदिरा गांधी एक ऐसी ही नेता थी, उस जमाने में मीडिया का साइज कम था, हम लोग इस तरीके से सोशल मीडिया नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, तो हम लोगों के पास इस तरह से बहसें करने का और जनता को प्रभावित करने का और ओपिनियन मेकिंग के जरिए
कम थे हम लोगों के पास, लेकिन इंदिरा गांधी इसी तरह से करिश्माई नेता थी और कांग्रेस से परे जाकर वो तमाम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। लोकतंत्र एक संस्थागत प्रक्रिया है, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है लोकतंत्र। इंदिरा गांधी की खूबी ये थी कि वो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के परे जाकर जनता से सीधे संवाद कर सकती थी। उसी काम को नरेंद्र मोदी और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। दूसरे, नरेंद्र मोदी की खुशकिस्मती यह है, एक तो विपक्ष बहुत कमजोर है, पूरी तरीके से विचारहीन है, पूरी तरीके से रणनीतिहीन है, उसमें आपसी एकता करने की कोई इच्छा नहीं है। इसी खुशकिस्मती के कारण अपनी सरकार की तमाम नाकामियों के कारण, नाकामियों के बावजूद उनका जो अपना अपना लोकप्रियता का जो इंडेक्स है वो कायम है। अब कोरोना देखिए कम होने की बजाय इतना हिंदुस्तान में सबसे कड़ा और सबसे बड़ा लॉकडाउन हुआ, लेकिन उसके बावजूद कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जनता नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहरा रही है। तो ये जो विरोधाभास है, ये पैराडॉक्स है, मतलब जो है इसका कारण हम लोगों को खोजना चाहिए। इसका कारण है कि विपक्ष के पास, अगर 70 के दशक वाला विपक्ष होता, 80 के दशक वाला विपक्ष होता, तो इस सरकार के खिलाफ पत्ता पत्ता बूटा बूटा हो गया होगा। विपक्ष की कमजोरी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए अभय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं दो और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे आश्चर्य लोग हो बात हो रहे कि ऐसा क्या हो गया कि केंद्र में आप एक तरह से वोट दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और जब विधानसभा चुनाव होता है लोग अलग तरह से वोट देते हैं। जैसे बहुत आपने अभी अभी हम कुछ देर पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बात किया, ये पूरा हम देख रहे हैं 1917 के बाद, जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव के बाद लगातार एक के बाद एक राज्य में जब विधानसभा चुनाव हुए बीजेपी हार गए, मगर इसका तो असर कोई मोदी जी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। जैसे आपने कहा आपका लॉकडाउन हो गया, आपका महामारी चल रहा है, आपका अर्थव्यवस्था में कितने बुरी हालत है, बेरोजगारी बढ़ गए हैं, कारखाने बंद है, लोगों को प्रवासी मजदूर, करोड़ों प्रवासी मजदूर एक जगह छोड़ के चले गए, मगर इसका असर कुछ नहीं पड़ रहा है। ये स्थिति में आज भारतवर्ष का राजनीति क्यों पहुंचा? मुझे लगता है कि अगर हम लोग केवल मोदी के संदर्भ में इसको देखेंगे तो शायद इसके हमें सही जवाब नहीं मिले। मेरा मानना है कि हम लोगों को देखना ही चाहिए कि पिछले 5-6 साल में भारतीय राजनीति का और सार्वजनिक जीवन का सरकारीकरण हुआ है, एक गवर्नमेंटलाइजेशन हो गया है पूरी राजनीति का। उसमें हुआ यह है कि जो सत्ता में है उसको साजिश करके उसके पैरों तले कालीन खींच के तो उसको सत्ता से हटाया जा सकता है, लेकिन चुनाव में उसको सत्ता में हराना बहुत मुश्किल बात है। प्रदेशों में आप देखिए जो लोग सत्ता में हैं, मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव में वो चुनाव हारेंगे। अभी बिहार में चुनाव होगा, नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुझे यकीन है कि भाजपा के इतने उछाल के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी को हराना अभी नामुमकिन है। भाजपा का वहां काफी उभार हुआ है, लेकिन लोकसभा के संदर्भ में हुआ है, नहीं हुआ है। उड़ीसा में अभी पटनायक साहब को हराना नामुमकिन है। अभी तमिलनाडु में डीएमके की स्थिति मजबूत है, तो एक दो प्रदेशों को छोड़कर अभी उत्तर प्रदेश में तमाम गड़बड़ियों के बावजूद दोबारा चुनाव हो तो बीजेपी फिर चुनाव जीत जाएगी। मुझे लगता यह है कि जो लोग सत्ता में है सरकार की, उनकी सरकार की नाकामियों का दरअसल उनकी लोकप्रियता पर असर नहीं पड़ रहा है। इसका कारण यह हुआ है, इसका कारण यह है कि सब चीजों का सरकारीकरण हो गया है। सरकार के विरोध को देश का विरोध माना जाने लगा है, सरकार के विरोध को राष्ट्र का विरोध माना जाने लगा है, और उसी तरीके से फतवे दिए जाते हैं, उसी तरीके से आलोचना की जाती है। तो ये सब जो एक पूरा विमर्श बदला है पिछले 5 से लेकर 6 साल में, 6 साल पहले ऐसा नहीं था। आपने बहुत ये बारीकी से समझाया किस तरह से भारतवर्ष का राजनीति एक तरह से सरकारीकरण हो गया, गवर्नमेंटलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, आपने जैसे कहा। मैं जहां से हमने शुरू किया वहीं से वापस जा, ठीक है, मैं मान लिया कांग्रेस के अंदर एक जबरदस्त एक विवाद, एक झगड़ा चल रहा है जो वरिष्ठ राजनेता है और जो अल्प उम्र के है, और राहुल गांधी कह रहे कि भाई हमें कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था, वो भी कह रहे हम अकेला बन गए, हमें हमारे अपने पार्टी के लोग हमें मदद नहीं किया, और लोग कह रहे कि हाँ राहुल गांधी और कोई रास्ता नहीं तो अध्यक्ष दोबारा बन जाओ और वापस घर वापसी, ममता जी को बोलो आ जाओ घर वापस, शरद पवार जी को बोलो। मेरा कहना है कि ये आपका जो फाइनल कॉमेंट, आखिरी जो आप विश्लेषण करेंगे, क्या देख रहे हैं कांग्रेस का भविष्य आने वाले साल? मैं कांग्रेस का भविष्य अंधकार में नहीं मानता हूं।
मेरा मानना है कांग्रेस अपनी तमाम कमियों और तमाम गिरावट के बावजूद अभी भी देश के बहुत से राज्यों में या तो पहले नंबर की पार्टी है या दूसरे नंबर की पार्टी है। मैं मानता हूं राहुल गांधी ने अगर 2019 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा न दिया होता, अगर उन्होंने टिकाऊपन का सस्टेनेबिलिटी का परिचय दिया होता उन्होंने, अगर वो जमे रहे मैदान में जमे रहे होते तो उनकी छवि और बेहतर होती पहले से। देखिए मैदान छोड़कर हारने वालों, मैदान छोड़कर भागने वालों के साथ कोई नहीं होता। राहुल गांधी को चाहिए कि वो जमे रहते, वो पार्टी को जिस पार्टी के बारे में वो कह रहे थे कि ये हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था, उस पार्टी को अपने जैसा बनाते, मेहनत करते। हम सब लोगों ने ये बात कही थी राहुल गांधी को ये नहीं करना चाहिए जो वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित समझा। अभी तो सवाल के जवाब वो ही देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इसलिए पार्टी के बाहर तो छोड़ दीजिए, पार्टी के भीतर भी अब राहुल गांधी को बहुत ही सक्षम नेता के रूप में नहीं देखा जाता। राहुल गांधी को पार्टी के भीतर अपनी साख दोबारा पाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी होगी। कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है, मैं ये मानता हूं। कांग्रेस चाहे तो प्रांतों में अपनी जीत के जरिए अपनी वापसी कर सकती है। बीजेपी को इस बात का पूरा एहसास है कि कांग्रेस जिस दिन बीजेपी जरा सी लड़खड़ाई उसका सबसे ज्यादा लाभ कांग्रेस को होगा। और ये जो गांधी परिवार है चुपचाप मुंह में दही जमाकर इसीलिए बैठा हुआ है कि बीजेपी के लड़खड़ाने का इंतजार कर रहा है कि बीजेपी बेरोजगारी के मामले में लड़खड़ा जाए, नीति के मामले में लड़खड़ा जाए, कहीं से अलोकप्रियता का सिलसिला शुरू हो जाए। ऐसे बहुत से नेता हुए जिनके बारे में माना जाता था ये शायद कभी चुनाव नहीं हारेंगे और ये टीना फैक्टर है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन जब उनकी गिरावट शुरू होती है तो लगता है कुछ भी ठीक उनके पक्ष में नहीं हो रहा है। जब इंदिरा गांधी की गिरावट शुरू हुई तो इंदिरा गांधी का बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा, और वो भी गया था उनका एक बार। तो इसलिए विपक्ष को हिम्मत करनी चाहिए, आपसी एक कार्यक्रमगत एकता, एक गैर भाजपावाद खड़ा करना चाहिए और कांग्रेस को उसमें प्रमुख भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। कांग्रेस को राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, तब वो दोबारा नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़े हो पाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी एक फिनोमेना है, एक परिघटना है, हमें पसंद हो या ना पसंद हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय जी अत्यंत धन्यवाद, आपके कीमती समय आपने न्यूज़लीक का दर्शक को दिया, आपने भारतवर्ष की राजनीति के बारे में बारीकी से आपने विश्लेषण किया और शायद दोबारा आपके साथ में साक्षात करने का आप हमें सौभाग्य देंगे। धन्यवाद, थैंक यू, और आप सब देखते रहिए न्यूज़लीक। We'll be right back.